नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप को लेकर राज्य सरकार के मंत्री अखिल गिरी के वक्तव्य के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन में उतरी बीजेपी। कोलकाता समेत विभिन्न जिलों में मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। तृणमूल कांग्रेस विधायक एवं राज्य सरकार की मंत्री अखिल गिरी के विरुद्ध नंदीग्राम थाने में FIR भी दर्ज कराया गया। पश्चिम बंगाल राज्य में तेजी से बढ़ रहे मलेरिया के प्रकोप से राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह हुआ अस्त व्यस्त। अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार के काउंसिलर मलेरिया की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती। सबसे आश्चर्य की बात है कि कोलकाता के 20 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद विजय उपाध्याय की मलेरिया रिपोर्ट सरकारी रूप में नेगेटिव और बेसरकारी रूप में पॉजिटिव आई है। कोलकाता कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में विजय उपाध्याय की मलेरिया जांच रिपोर्ट नेगेटिव और RB डायग्नोस्टिक में पॉजिटिव आई। फिलहाल पार्षद विजय उपाध्याय कोलकाता मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में इलाजरत है। कोलकाता के निकट वैदिक विलेज रिसॉर्ट में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप 4 युवकों पर लगाया गया है। पुलिस ने युवती के शिकायत के आधार पर 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 15 युवकों का एक दल वैदिक विलेज में पार्टी मनाने पहुंचे थे, इसी दौरान यह घटना घटी है। कोलकाता के गुड़िया थाना इलाके के राइफल 12 नंबर रेंज रोड में फिर दिन दहाड़े दो गुटों के बीच चली गोली। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गुड़िया थाने की पुलिस ने दो गुटों का नेतृत्व देने वाले चंदन यादव और सूर्य साव को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में अपराधियों ने गैस कटर से ATM मशीन काट कर रुपयों की लूटपाट कर ली। बताया जाता है कि कनारा बैंक के ATM में दिन दहाड़े गैस कटर लाकर ATM मशीन काट डाली। अभी तक बैंक प्रबंधन ने ATM से लूटे गए रुपयों का खुलासा नहीं किया है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।